नवी मुंबई नेटवर्क। संक्रमण का सबसे अधिक खतरा युवा वर्ग में देखा गया है और इसीलिए सभी नागरिकों के समक्ष कोरोना के खिलाफ जंग का एकमात्र जरिया है कोरोना का टीकाकरण। ऐसे में नवी मुंबई का एक भी नागरिक कोरोना के टीकाकरण से वंचित ना रह जाए, इसलिए नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग का आगाज छेड़ने वाले एरोली के विधायक गणेश नाइक और पूर्व विधायक संदीप नाइक ने एक अनोखी मुहिम को अंजाम देते हुए आज उनके सहकार्य से कोबेखैरने फार्म स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से फार्म सोसाइटी में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां खुद मौजूद थी पूर्व नगर सेविका वैशाली नायक, फार्म स्पोर्ट्स क्लब के युवा अध्यक्ष विनायक मस्कर और अन्य पदाधिकारी। लगभग 700 कोरोना वैक्सीनेशन के टारगेट के साथ फार्म स्पोर्ट्स क्लब में रिलायंस हॉस्पिटल के विशेष सहकार्य से मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस वैक्सीनेशन कैंप में फार्म स्पोर्ट्स क्लब के यंग डायनामिक कमेटी मेंबर्स के उचित नियोजन, योग्य समन्वय और कोविड सुरक्षा नियमों का पालन कर यहां तकरीबन 700 के अधिक लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। 18 से 44 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए आयोजित इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप में मेरी सोसाइटी मेरी जिम्मेदारी इस ब्रीद वाक्य को सार्थक करते हुए फार्म स्पोर्ट्स क्लब के युवा कमेटी के सदस्यों के साथ 18 से 44 आयु वर्ग के हर एक व्यक्ति ने बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन कैंप में हिस्सा लेकर इस अभियान को सफल बनाया। इस दौरान वैशाली नायक ने इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले एरोली के विधायक गणेश नायक और पूर्व विधायक संदीप नायक का आभार व्यक्त किया। गणेश नायक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाने आणि संदीप नायक साहेब आणि संजू नायक साहेब माध्यमातून आम्ही आज फार्म सोसायटीमध्ये फार्म स्पोर्ट्स क्लब या सगळ्या आमच्या टीमनी आज वैक्सीनेशन कैम्प ठेवलेले। आमचा टार्गेट 700 जणांचा आहे। आता 18 से 44 या वयोगटातल्या लोकांचं राज्य सरकारद्वारे जे पोर्टल लॉग इन आहे ते फार स्लो होते, त्याला राज्य सरकारला मदत म्हणून प्रत्येक सोसायट्यांनी आता कॅम्प घेतलेला आहे। तशाच प्रकारे आम्ही सुद्धा राज्य सरकारला एक मदत म्हणून कॅम्प घेतले, जेणेकरून आपला त्यांचा नागरिकांचा पूर्ण परिवार सुरक्षित होऊ शकेल। रिलायन्स हॉस्पिटलच्या माध्यमातून आम्ही हा कॅम्प ठेवलेला आहे आणि अतिशय सुंदर प्रकारे त्यांनी मॅनेज केलेला आहे। त्यांची टीम सुद्धा अतिशय सुंदर प्रकारे कोऑपरेट करत आहे आणि आमच्या सुद्धा पूर्ण टीमने पूर्ण त्यांना सहकार्य केलेलं आहे। वॅक्सिन नंतर वेटिंग रूम ठेवलेली आहे, डॉक्टर्सची टीम आहे, पुन्हा एक ॲम्ब्युलन्स आहे। ज्येष्ठ नागरिकांना प्रथम प्राधान्य आम्ही देतोय, डॉक्टर्सच्या देखरेखीखाली ठेवलेली आहे आणि नाश्ता पाण्याची पण सोय केलेली आहे। वही फार्म स्पोर्ट्स क्लब के युवा अध्यक्ष विनायक मस्कर और अन्य पदाधिकारियों ने इस मेगा वैक्सीनेशन कैंप को आज समय की जरूरत करार दिया। उद्देश्य आमचा एकच होता की लोकांची सेवा व्हावी आणि वैक्सीनेशनचा जसा आपण बाहेर बघतोय की लोकांना जास्त त्रास सहन करावा लागतोय, त्या उद्देशाने आम्ही ठरवलं की आमच्या सोसायटीच्या लोकांसाठी किंवा आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांसाठी जेवढं आपल्याला जवळ करता येईल त्यासाठी आपण कॅम्प आयोजित केला आणि संदीप नाईक साहेबांनी आपल्याला सहकार्य केलं आणि त्यांची मोलाची साथ आम्हाला दिली। त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच कॅम्प बरोबर चालू आहे। सबसे पहले हम लोग को बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स है सोसाइटी में कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, हमारे आजू बाजू सोसाइटी में वो वैक्सीनेशन और हम लोग का सोसाइटी तो सब बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो हमने संदीप नायक सर के पास हम लोग गए, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ कीजिए, हमारा इतना बड़ा सोसाइटी है, पूरे नवी मुंबई में बहुत बड़ा सोसाइटी है फार्म सोसाइटी। तो उसके लिए हमने संदीप नायक सर को बोला कि आप आपका कुछ हो सकता है क्या, तो उनने बहुत हमसे अच्छा सा सपोर्ट किया। उनके मार्गदर्शन के अंदर ही हम लोग ने पूरा कैंप का प्लानिंग किया। उनके पास गए, हमने बोला कि हमारे पास इतने काउंट है, 500 के ऊपर है, लोग का रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, पॉजिटिव है। तो उनने बोला ठीक है, सपोर्ट करता हूँ मैं, और उनने हम लोग को बताया ये सब कीजिए। तो उस हिसाब से हमने प्लानिंग किया और अभी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं प्लानिंग का, तो बहुत अच्छा चल रहा है रिस्पॉन्स कैंप का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।